हेलो फ्रेंड्स, अवाम वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अखिलेश एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग भौतिक विज्ञान कक्षा 11 में प्रथम पेपर को पढ़ रहे थे और एक सीरीज के क्रम में पढ़ रहे थे। तो उसी सीरीज में आज अपना जो टॉपिक है उसका नाम है सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो आपका ये चौथे चैप्टर का सबसे लास्ट का टॉपिक है जिसका नाम है, ये पांचवें चैप्टर का सबसे लास्ट का टॉपिक है जिसका नाम क्या है आपका, तो वृत्तीय गति। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। लेकिन उसके पहले आप सबसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज में वृत्तीय गति पढ़ना है तो वृत्तीय गति किसे कहते हैं, वृत्तीय गति किसे कहते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई एक पिंड है, वो जब वृत्ताकार पथ पर घूमता है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। किसी भी वृत्तीय पथ पर गति करते हुए पिंड की गति को, या फिर जब कोई पिंड वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। नोटेड, नोट करिए, जब कोई पिंड वृत्तीय मार्ग पर गति करता है, लिखिए जब कोई पिंड, आप लोग साथ में नोट करिए, वृत्तीय मार्ग पर, जब कोई पिंड वृत्तीय मार्ग पर गति करता है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं, यानी कि सर्कुलर मोशन कहते हैं। जब कोई पिंड वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उसके गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जब कोई पिंड वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी की गति चंद्रमा की गति आदि। वृत्तीय गति के अंतर्गत आपके पृथ्वी की गति आ जाती है और चंद्रमा की गति भी इसी में आ जाती है। देखिए, वृत्तीय गति में क्या होता है, मान लीजिए कि ये एक केंद्र है तो केंद्र के अनुदिश कोई पिंड इस प्रकार से गति करता है तो देखिए उसकी दिशा हमेशा बदल रही है। दिशा हमेशा क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। तो आप क्या बताएंगे कि वृत्तीय गति में पिंड की दिशा हमेशा बदलती रहती है, पिंड की दिशा हमेशा बदलती रहती है, यानी कि पिंड की चाल भी, देखिए चाल तो स्थिर है लेकिन दिशा बदल रही है। तो आप क्या बताएंगे कि वृत्तीय गति में पिंड की जो दिशा होती है वो बदलती रहती है, जिसके कारण पिंड की चाल अचर होती है और साथ ही साथ वेग बदल जाता है। वृत्तीय गति में पिंड की दिशा बदलती रहती है, पिंड की दिशा बदलती रहती है, जिसके कारण पिंड की चाल अचर होती है परंतु वेग क्या होता है, बदल जाता है। जिसके कारण चाल अचर होती है, चाल अचर होती है और पिंड का वेग बदल जाता है, वेग बदल जाता है। ऐसा क्यों, तो आप बताएंगे क्योंकि वृत्तीय गति में पिंड की दिशा हमेशा बदलती रहती है इसलिए चाल अचर होती है और पिंड का वेग बदल जाता है। अगली हेडिंग आप लोग चलिए लिख लेते हैं, कोणीय विस्थापन क्या होता है। देखिए, ये बताइए वृत्तीय गति समझ में आया या नहीं, कि जब कोई पिंड वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं,
और वृत्तीय गति में पिंड की दिशा लगातार बदलती रहती है, जिसके कारण चाल अचर होती है और पिंड का वेग बदल जाता है। कोई पिंड अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितने कोण पर घूमता है, कोई पिंड अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितने कोण पर घूमता है, जितने कोण पर घूमता है उसे कोणीय विस्थापन कहते हैं। पिंड का कोणीय विस्थापन कहते हैं। कोई पिंड अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितने कोण पर घूमता है उसे हम लोग कोणीय विस्थापन कहते हैं। तो आपको ये पता है कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। फॉर्मूला पता है कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। मान लीजिए ये यहां से अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष ये जो कोण है ये थीटा है, ये डेल्टा यस अपनी स्थिति के सापेक्ष घूम जाता है। कितना घूम जाता है? डेल्टा यस। तो देखिए त्रिज्या इसकी हम लोग मान लेते हैं कि आर है, तो यहां से आपका जो आ जाएगा कोण बराबर चाप कितना है? डेल्टा यस बटे त्रिज्या कितना है? आर। यदि जो आपका वृत्त का चाप है वो उसकी त्रिज्या के बराबर हो जाए, यानी डेल्टा यस बराबर आर हो जाए, तो आपका हो जाएगा कोण बराबर ये आर बटे आर, यानी कोण बराबर आपका हो जाएगा 1 रेडियन। कोण का मान कितना हो जाएगा? 1 रेडियन। तो आप बताएंगे यदि किसी वृत्त का चाप उसकी त्रिज्या के बराबर हो जाए तो परिधि द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का मान 1 रेडियन होता है। ये आपको पहले भी लिखवा चुके हैं मापन एवं मात्रक में, इसलिए इसको लिखवा नहीं रहे। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि कोई पिंड अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितने कोण पर घूम जाता है उसे हम लोग कोणीय विस्थापन कहते हैं। तो ये आपके समझ में आया या नहीं जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिए। उसके बाद हम लोग कोणीय वेग पर चर्चा करते हैं। इसको कमेंट करके बताइए समझ में आया या नहीं। तो अगली हेडिंग लिखिएगा कोणीय वेग। अगली हेडिंग कोणीय वेग, एंगुलर वेलासिटी। वेग बराबर क्या होता है बताइए जल्दी से? विस्थापन बटे समय। तो आप यहां क्या बताएंगे? कोणीय विस्थापन और समय के अनुपात को कोणीय वेग कहते हैं, या फिर एकांक समय में तय किए गए कोणीय विस्थापन को वस्तु का कोणीय वेग कहते हैं। वैसे डायरेक्ट फार्मूला देखिए, विस्थापन वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, तो आपका हो जाएगा कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय, कोणीय विस्थापन बटे समय। तो यदि समय को एकांक कर दें तो कोणीय वेग आप और कोणीय विस्थापन आपस में क्या क्या हो जाएंगे? बराबर। तो एकांक समय में तय किए गए कोणीय विस्थापन को वस्तु का कोणीय वेग कहते हैं। लिख लीजिए एकांक समय में, फार्मूले से परिभाषा बनाइए, एकांक समय में तय किए गए कोणीय विस्थापन को, तय किए गए कोणीय विस्थापन को वस्तु का कोणीय वेग कहते हैं। एकांक समय में तय किए गए कोणीय विस्थापन को वस्तु का कोणीय वेग कहते हैं, और इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। याद रखिएगा इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। एकांक समय में तय किए गए कोणीय विस्थापन को वस्तु का कोणीय वेग कहते हैं और इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। आप लोग बताइए इतना क्लियर हुआ या नहीं? ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला क्या है? कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय, और कोणीय वेग को हमने ओमेगा से लिखा, तो ओमेगा बराबर कोणीय विस्थापन कितना? यहां देखिए डेल्टा थीटा आप मान लीजिए, या थीटा बटे समय कितना? टी।
ये हो जाएगा, और इसका मात्रा क्या होगा तो रेडियन प्रति सेकेंड, इसका मात्रा क्या हो जाएगा रेडियन प्रति सेकेंड। एकांक समय में तय किए गए कोणीय विस्थापन को कोणीय वेग कहते हैं, इसे ओमेगा से प्रदर्शित कहते हैं, ओमेगा बराबर डी थीटा अपान टी रेडियन प्रति सेकेंड। नोट कर लीजिए अगला है आवर्तकाल। तो आवर्तकाल क्या होता है, तो पिंड द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, या पिंड द्वारा वृत्ति गति का एक चक्कर पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल आप लोगों ने इसके पहले भी पढ़ा है, तो आवर्तकाल की परिभाषा जल्दी से बताइए। पिंड द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगे समय को क्या बोलते हैं आवर्तकाल, और एक संपूर्ण चक्कर के लिए यहां पर जो होगा वो आपका कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए फार्मूला, एक संपूर्ण चक्कर के लिए जो आपका ओमेगा होगा वो कितना होता है पता है आपको, तो ये वाला एक पूरे चक्कर के लिए जब घूमेगा यानी कि 2 पाई हो जाएगा पूरा का पूरा 360 अंश, तो डेल्टा थीटा बराबर आपका 2 पाई एक पूरे चक्कर के लिए। और आवर्तकाल का मतलब क्या होता है, तो आवर्तकाल का मतलब होता है कि पिंड द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, पिंड द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय पिंड का आवर्तकाल कहलाता है, पिंड का आवर्तकाल कहलाता है। इसे टी से प्रदर्शित करते हैं, और आवर्तकाल बराबर 1/आवृत्ति होता है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं टी से, तो ओमेगा बराबर आपके पास जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा 2 पाई बाई, यहां पर कितना हो जाएगा टी एक पूरे चक्कर के लिए, ये वाला आपका कैपिटल टी होगा। देखिए ओमेगा बराबर इसके स्थान पर क्या रखेंगे 2 पाई और 1/T, यानी कि एक पूरे चक्कर के लिए जो कोणीय वेग का फॉर्मूला होगा ओमेगा बराबर 2 पाई/T। और 1/T क्या होता है, देखिए ओमेगा बराबर 2 पाई अलग से लिख लीजिए 1/T, और 1/T बराबर जो आपका होता है वो होता है एन, यानी कि आवृत्ति, तो यहाँ हो जाएगा ओमेगा बराबर 2 पाई एन, 2 पाई एन। इतना समझ में आया या नहीं जल्दी से बताइए, 2 पाई एन ये आपका हो जाएगा ओमेगा बराबर फार्मूला। अब आगे देखते हैं, थोड़े थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं तात्कालिक कोणीय वेग या तात्क्षणिक कोणीय वेग। तात्क्षणिक के लिए क्या करते हैं लिमिट लगाते हैं कोणीय वेग। तात्क्षणिक कोणीय वेग ओमेगा बराबर, तात्क्षणिक कोणीय वेग ओमेगा बराबर आपका होगा लिमिट टी टेंस टू जीरो, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, और डीएस बाई डी टी, यहां पर डी थीटा बाई क्या हो जाएगा डी टी, तो यहां लिखिए डी थीटा बाई डी टी। ओमेगा बराबर लिमिट टी डेल्टा टी टेंस टू जीरो डी थीटा थीटा बाई डी टी, यानी इसे हम लिख सकते हैं ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी। यह तात्क्षणिक कोणीय वेग का फॉर्मूला है कि डी थीटा बाई डी टी होता है। अब इसको जो नोट कर लीजिए, और उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलासिटी एंड लिनियर वेलासिटी। कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध, कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध। रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलासिटी एंड लाइनियर वेलासिटी। तो आप बताएंगे वी नो दैट, यानी कि हम जानते हैं कि आपको पता है डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस बाई डेल्टा, या डेल्टा टी अकेले लिख सकते हैं, होता है डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस बाई डेल्टा टी होता है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये आपका डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस बाई डेल्टा टी हो गया, और अब हम क्या करते हैं कि यहां एक काम कर लेते हैं, दोनों पक्षों में डेल्टा टी से भाग दे लेते हैं। क्या करते हैं, यहां आर रखिएगा क्योंकि आर है आपका, एक फार्मूला आपने पढ़ा था
कि जो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है, चाप या से आर त्रिज्या है, तो यहां आप करेंगे डेल्टा टी से दोनों पक्षों में भाग देने पर, दोनों पक्षों में भाग देकर देखिए, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी बराबर डेल्टा एस बाई डेल्टा टी इंटू एक बटे आर। अब बताइए थीटा क्या है आपका, क्या है कोणीय विस्थापन और बटे समय, कोणीय विस्थापन बटे समय को हम लोग कोणीय वेग कहते हैं, जिसे ओमेगा से लिखते हैं, बराबर डेल्टा एस बटे डेल्टा टी, यानी कि आपका ये क्या है, तो ये आपकी जो परिधि थी उस पर बना चाप था और बटे टी ये समय है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि ये क्या है आपकी दूरी और बटे समय बराबर होता है वेग, तो वी गुणे एक बटे आर। इसको इधर करेंगे तो v बराबर r ओमेगा हो जाएगा, v बराबर क्या हो जाएगा आपके पास फार्मूला r ओमेगा, ये समझ में आ गया। और ओमेगा बराबर आपने क्या निकाला है, 2 पाई बाई टी, यहां रख दीजिए तो v बराबर r 2 पाई बाई टी क्या हो जाएगा, r अपने स्थान पर बना है और साथ में 2 पाई बाई टी हो गया। v बराबर इसको लिख सकते हैं r 2 पाई और 1 बटे टी, 1 बटे टी बराबर n होता है, तो v बराबर 2 पाई r n हो जाएगा, 2 पाई क्या हो जाएगा r n। ये समझ में आया या नहीं, 2 पाई r n, सबका नाम लिख लीजिए। v आपका क्या है, ये आपकी आवृत्ति है n, ये वाली क्या है आपकी आवृत्ति है, तो यहां पर आपका वी नहीं बल्कि ओमेगा होगा, नहीं उबी ही है, वी बराबर टू पाई आर्यन हो गया, समझ में आया, वी बराबर टू पाई आर्यन। ओमेगा आपका क्या है, तो ओमेगा है कोणीय, हाँ कोणीय विस्थापन, ओमेगा को हम लोग कोणीय वेग बोलते हैं, ये आपका कोणीय वेग है और आर आपकी त्रिज्या है, आर क्या है त्रिज्या है, यन क्या है, तो यन को आप बताते हैं कि आवृत्ति है, यन क्या है आवृत्ति, और वी आपका रेखीय वेग है, रेखीय वेग, ये इतना आपको याद रखना है, ये आपका कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध, वी बराबर टू पाई आर एन, वी बराबर टू पाई आर एन, समझ में आ गया या नहीं बताइए कमेंट करके। अब आगे बढ़ते हैं, इसको जल्दी से एक बार नोट कर लीजिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसके बाद फिर आगे अब देखते हैं अगला टॉपिक अपना। तो चलिए अगले टॉपिक का नाम है अभिकेंद्र त्वरण, अभिकेंद्र त्वरण, हेडिंग लिखिए अभिकेंद्र त्वरण। तो वृत्तीय गति करते हुए पिंडों में अंदर की ओर एक त्वरण कार्य करता है, जिसे हम लोग अभिकेंद्र त्वरण का नाम देते हैं। क्या बताएंगे कि वृत्तीय गति करने वाले पिंडों में अंदर की ओर एक त्वरण कार्य करता है, वृत्तीय गति करने वाले पिंडों में अंदर की ओर एक त्वरण कार्य करता है, जिसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं, अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। वृत्तीय गति करने वाले पिंडों में अंदर की ओर एक त्वरण कार्य करता है, जिसे
अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं, और अभिकेंद्र त्वरण का फार्मूला होता है ए बराबर वी स्क्वायर बाई आर। अभिकेंद्र त्वरण का फार्मूला क्या होता है? ए बराबर वी स्क्वायर बाई आर। ये समझ में आया या नहीं? वृत्तीय गति करते हुए पिंडों में अंदर की ओर एक त्वरण कार्य करता है जिसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। ये हो गया। अब उत्पत्ति पर चर्चा करते हैं, यानी कि इसके डेरिवेशन पर चर्चा कर लेते हैं। व्युत्पत्ति पर चर्चा कर लेते हैं। हम लोग मान लेंगे कि हमारे पास एक पिंड है जो वृत्तीय गति कर रहा है, ये इसका केंद्र है। किसी समय पिंड P1 पर है और किसी समय पिंड P2 पर पहुंच जाता है। यहां पर जो पिंड का वेग होगा वो V1 होगा और यहां पर जो पिंड का वेग होगा वो कितना होगा? V2। यहां पर जो कोण बन रहा है उसको हम लोग थीटा नाम दे सकते हैं, या फिर R का नाम दे सकते, वो डेल्टा थीटा बोल सकते हैं। ये अपना R, तो इसको मान लेंगे कि कोई एक पिंड है जो वृत्तीय गति कर रहा है। किसी समय पिंड P1 पर है, उस समय इसका वेग कितना है? V1। और जब पिंड थीटा कोण चलने के पश्चात यानी परिधि पर, आप बता सकते हैं या फिर आप ये बताएं कि डेल्टा एस दूरी तय करने के पश्चात पिंड कहां पर पहुंच जाता है? P2 पर। और इस समय जो इसका वेग हो जाता है वो हो जाता है V2। तो ये डेल्टा थीटा, ये आपका डेल्टा एस। ये क्लियर है आपको? यही यहां पर मानना है कि माना किसी समय पिंड का वेग V1 तथा कुछ समय पश्चात या फिर T समय पश्चात पिंड का वेग V2 हो जाता है। माना किसी समय पिंड का वेग कितना है? V1। तथा कुछ समय पश्चात पिंड का वेग V2 हो जाता है। पिंड का वेग V2 हो जाता है। यह क्लियर हुआ कि माना किसी समय पिंड का वेग V1 है तथा कुछ समय के पश्चात पिंड का वेग कितना हो जाता है? तो V2 हो जाता है। आप लोग यहां पर एक इसी के तरह दूसरा एक त्रिभुज और ऐसे ही बनाइएगा, ठीक ऐसे ही त्रिभुज जैसे ये वाला बना है, उसी के बगल में, उसी के समरूप, उसी के आकार का एक दूसरा त्रिभुज बनाएंगे। इसको हम लोग ओ नाम दे लेते हैं। क्या नाम दे लेते हैं? ओ कह लेते हैं। और उसके बाद जो दूसरा त्रिभुज बनाते हैं उसका नाम है ABC। ABC, ये वाली दूरी आपकी ये है डेल्टा एस। और यहां पर देखिए ये वाला जो आर है वो यहां आ जाएगा, और देखिए यहां पर आर पहुंचेगा, डेल्टा एस ये वाला है, और ये भी आपका उतना ही हो जाएगा जितना कि पहला वाला आर है। तो इसे हम लोग कुछ इस प्रकार से नाम दे दें कि एक को कह देते हैं V1 है, एक को V2, और ये डेल्टा V। V1, V2 और डेल्टा V। तो समरूप त्रिभुज ABC तथा OP1, P2 में ऐसे लिखिएगा कि समरूप त्रिभुज OP1, P2 व त्रिभुज ABC में, समरूप त्रिभुज OP1, P2 तथा ABC में। इतना क्लियर है? आप P1, P2 बटे AC, P1 P2 बटे AC, देखिए P1 P2 बटे AC, तो OP1 बटे BC बराबर OP1 बटे BC। ये समझ में आया कि हमने P1 P2 AC के नीचे, यानी कि AC के नीचे, या फिर P1 P2 के नीचे AC को क्यों रखा? क्योंकि देखिए डेल्टा एस और डेल्टा वी दोनों एक ही चीज है। यहाँ OP1 और यहां पर कौन सा? BC, उसके पहले की भुजा है। तो हमने रख दिया P1 P2 बटे AC बराबर OP1 बटे BC। अब इसका मान रख दीजिए, इसका मान कितना है? डेल्टा एस है, इसका मान है डेल्टा वी बराबर OP1 का मान कितना है? R है। और जो BC है आपका उसका मान हम लोग मान लेते हैं कि ये V है, यानी V1 और V2। तो आपका कुल मिलाकर क्या हो जाएगा? V ही हो जाएगा, V1 V2, लेकिन वेग ही तो है तो V कर दिए। अब चलिए आगे एक काम और कर लेते हैं
कि इसे हम लोग कुछ इस प्रकार से कर देते हैं। देखिए R को नीचे भेजते हैं, V को यहाँ पर भेजते हैं, R को नीचे भेजते हैं, V को यहाँ पर भेजते हैं, तो डेल्टा एस अपान R बराबर डेल्टा V अपान क्या हो जाएगा, V। डेल्टा एस अपान R बराबर डेल्टा V बटे V, डेल्टा एस अपान R बराबर डेल्टा V बटे V। अब क्या करेंगे, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि T से दोनों पक्षों में भाग दे दें। नीचे दिख रहा है, एक बार हमें चेक कर लीजिए, चलिए नीचे अभी दिख रहा है, तो आप बताएंगे दोनों पक्षों में T से भाग देने पर, दोनों पक्षों में T से या डेल्टा T से भाग देने पर, भाग देंगे तो आपका हो जाएगा डेल्टा एस अपान डेल्टा टी गुणे एक बटे आर बराबर डेल्टा वी बटे डेल्टा टी गुणे एक बटे वी। अब बताइए डेल्टा एस बटे डेल्टा टी क्या होता है, या फिर सूक्ष्म समय अंतराल के लिए आप लिमिट के रूप में इसी को लिख लीजिए कि सूक्ष्म समयांतराल के लिए, सूक्ष्म समयांतराल के लिए ये आपका हो जाएगा डेल्टा एस, आगे यहां पर लगा देंगे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डीएस अपान डी टी गुणे एक बटे आर बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डीवी बाई या डीवी बाई डी टी इंटू वन अपान वी। ये समझ में आ गया। अब इसके स्थान पर हम लोग मान रख देते हैं, एक बटे आर आगे कर लेते हैं, एक बटे आर आगे हो गया, आपके पास बचा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डीएस बाई डी टी बराबर एक बटे वी आगे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डीवी बाई डी टी। अब यहां पर हम लोग मान रखते हैं डीएस बाई डी टी बराबर, आप लोग बताएंगे क्या होता है, या फिर इसको हमने अभी अभी लिखा था एक बटे आर बराबर डीएस बटे डी टी गुड़े डीएस बटे डी टी बराबर एक बटे वी डीवी बाई डी टी। इसके पहले तो डीएस बटे डी टी क्या होता है, यस क्या है आपका, देखिए डीएस बटे समय, डीएस बटे समय तो आपका वी हो जाएगा और डीवी बटे टी तो ये आपका ए हो जाएगा। रख देते हैं यहां पर, देखिए एक बटे आर गुड़े वी बराबर एक बटे वी गुड़े ए, क्योंकि डीएस बाई डी टी बराबर वी होता है और डीवी बाई डी टी बराबर ए होता है, तो आपका आ जाएगा वी बटे आर बराबर ए बटे वी। हल करेंगे तो हो जाएगा ये वी स्क्वायर बराबर ए आर और a बराबर v स्क्वायर बाई r आ गया, a बराबर v स्क्वायर बाई r, ये प्रूफ हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। और a अभी केंद्र त्वरण है, v वेग है, r त्रिज्या है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मात्रक क्या हो जाएगा, तो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड और r का मात्रक क्या होता है, तो r का भी मात्रक, तो कुल मिलाकर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका मात्रक हो जाएगा। और इसकी बीमा अगर ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो रहा है तो एल टी माइनस टू हो जाएगी, बीमा इसकी क्या हो जाएगी, तो इसकी बीमा आपकी जो होगी वो हो जाएगी एल टी माइनस टू। आप लोग निकालिएगा, इसको नोट करिए, अच्छे से समझिएगा और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब इसके आगे ये आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद फिर हम लोग ये अभिकेंद्र त्वरण हो गया, तो अभिकेंद्र त्वरण के बाद आप लोग नोट करिए, तो फिर अब हम लोग चर्चा करते हैं अभिकेंद्र बल पर। सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है, चलिए हम लोग अब अभिकेंद्र बल पर चर्चा करते हैं। यहां से अभिकेंद्र बल अगली हेडिंग लिखिएगा, अभिकेंद्र बल। तो आप बताएंगे कि जो पिंड वृत्तीय गति कर रहे होते हैं उनमें केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, जैसे अभी बता रहे थे वृत्तीय गति करते हुए पिंड में केंद्र की ओर एक त्वरण कार्य करता है, वैसे ही बताएंगे कि वृत्तीय गति करते हुए पिंडों में केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, यानी अंदर की ओर एक बल कार्य करता है, जिसे हम लोग अभिकेंद्र बल का नाम देते हैं। देखिए वृत्तीय गति करने वाले पिंडों में, वृत्तीय गति करने वाले पिंडों में अंदर की ओर
अंदर की ओर एक बल कार्य करता है, एक बल कार्य करता है जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। वृत्तीय गति करने वाले पिंडों में अंदर की ओर एक बल कार्य करता है जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं, और अभिकेंद्र बल बराबर फार्मूला होता है अभिकेंद्र बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे अभिकेंद्र त्वरण, द्रव्यमान गुणे अभिकेंद्र त्वरण। तो अभिकेंद्र बल F हो जाएगा बराबर द्रव्यमान M, और इसके स्थान पर V स्क्वायर बाई R, और बल है तो मात्रक न्यूटन। ये अभिकेंद्र बल हो गया आपका, क्या हो गया अभिकेंद्र बल। वृत्तीय गति करने वाले पिंडों में केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है जिसे हम लोग अभिकेंद्र बल का नाम देते हैं। इतना समझ में आ गया। अब देखिए V बराबर आपको पढ़ाया गया है R ओमेगा, अभी पढ़ाया गया इसके पहले कि जो V बराबर होता है वो क्या होता है R ओमेगा, पढ़े हैं आप लोग। तो यहां से हम लोग इसी मान को रख देंगे, F बराबर आपका हो जाएगा M R ओमेगा का स्क्वायर बटे R, F बराबर M R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बटे R, R से R कट गया, F बराबर M R ओमेगा स्क्वायर। ये भी क्या हो गया आपका उसी अभिकेंद्र बल का फार्मूला हो गया, मात्रक न्यूटन और विमा ML2T-2, ये हो जाएगा। अब यहां पर दो तीन पॉइंट आप नोट में लिख लेंगे, दो तीन पॉइंट नोट में लिख लेंगे कि बिना अभिकेंद्र बल के वृत्तीय गति संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि केंद्र की ओर जब एक बल कार्य करेगा तभी वृत्तीय गति होगी, वरना आप किसी पत्थर को ऐसे घुमाते हुए रस्सी से बांधकर अचानक छोड़ दीजिए तो पत्थर सरल रेखा में आगे निकल जाता है। इसका कारण यही है कि आपकी उंगली द्वारा उस पत्थर पर रस्सी की सहायता से अभिकेंद्र बल कार्य कर रहा है। नोट पॉइंट में लिखिए, नोट नंबर एक, कि बिना अभिकेंद्र बल के वृत्तीय गति संभव नहीं है, या वृत्तीय गति बिना अभिकेंद्र बल के संभव नहीं है। लिखिए बिना अभिकेंद्र बल के, बिना अभिकेंद्र बल के वृत्तीय गति संभव नहीं है, बिना अभिकेंद्र बल के वृत्तीय गति संभव नहीं है। और दूसरा, अभिकेंद्र बल की दिशा, अभिकेंद्र बल की दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है, केंद्र की ओर होती है। अभिकेंद्र बल की दिशा सदैव किस तरफ होती है? केंद्र की ओर। और एक चीज और याद रखिएगा कि अभिकेंद्र बल वास्तव में कोई नया बल नहीं होता है, बल्कि यह पिंडों में पहले से ही उपस्थित बलों का एक रूप होता है। अभिकेंद्र बल वास्तव में कोई नया बल नहीं है, यह पिंडों में पहले से ही उपस्थित होता है। क्या बताएंगे कि अभिकेंद्र बल वास्तव में कोई नया बल नहीं है, कोई नया बल नहीं है, या पिंडों में पहले से ही उपस्थित होता है, पहले से ही पिंडों में यह उपस्थित होता है। यानी अभिकेंद्र बल वास्तव में कोई नया बल नहीं है, यह पिंडों में पहले से ही उपस्थित होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, क्या बताएंगे? पृथ्वी और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल ही अभिकेंद्र। चलिए इसके बाद का जो टॉपिक है आपका वो है, एक क्लास का टॉपिक और बचा है, उसको हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, और सेशन पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।